एक्सरसाइज 4.4 का वन नंबर लाए थे, आज टू नंबर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द प्राइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ये कब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² + kx + 3 = 0। ये है, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्वेश्चन का रूट क्या है इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो b² - 4ac इक्वल टू जीरो। b के प्लेस पे क्या है यहाँ पर k है, k² - 4 × 2 × c के प्लेस पर 3 इक्वल टू जीरो। तो k² - 4 = 0। तो k² कितना होंगे 24। तो k√24, therefore k√24। तो देखते हैं हम लोग 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन +√6। अब इसका सेकंड नंबर आप लोग बनाएंगे को, अब थ्री नंबर देखते हैं। ये टू का फर्स्ट नंबर था, सेकंड आप लोग बनाइएगा अपने से। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोल रहे हैं इसमें, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेट ब्रेड को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका, देयरफॉर लेंथ का टू, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड, लेंथ ब्रेड का डबल है, कितना हो जाएगा 2x। और इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। कि क्या इस तरह का रेक्टेंगुलर पेड़ बन सकता है जिसका कि एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ ब्रेथ का डबल हो। तो चेक करते हैं हम लोग, तो एरिया का रूट क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसी का डायमेंशन है। तो लेंथ कर लू 800 हो गया, लेंथ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2x, ब्रेड एक्स इक्वल टू 800, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 400 times। तो x इक्वल टू अंडर रूट 400, तो x इक्वल टू गेट 20, देयरफॉर ब्रेथ कितना हो गया इसका 20 मीटर और लेंथ इसका डबल है, तो 20 × 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो
लेंथ और वेट दोनों नेचुरल नंबर में आ गया। तो क्वेश्चन में है कि इट पॉसिबल, क्या लिखेंगे? यस इट इज पॉसिबल। ऑल्सो फाइंड्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ हम लोग निकाल चुके हैं। Is the following situation possible? If so, determine their percentage. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. नंबर, द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स, फर्स्ट फ्रेंड के एज को हम लोग एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, 4 इयर्स एगो। एज देखते हैं, फर्स्ट एज तो एक्स माइनस फोर हो जाएगा, सेकेंड का एज, सेकेंड सेकेंड एज ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस फोर। तो 20 में 4 माइनस हो गया 16 माइनस एक्स। 4 years ago, the product of their ages in years was 48. According to question, x minus 4 into 16 minus x equal to 48. Okay, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 16x minus 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 यू गेट 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर 44x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म इसमें है, क्या बचा है 20x प्लस 20x हुआ, और ये दोनों नेगेटिव में है तो माइनस 0। इससे माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन निकाल के आप लोग एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इस तरह दोनों फ्रेंड का एज निकल जाएगा। फाइव नंबर में है इज टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इतना, फाइंड सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ।
isomer means letter. लेंथ हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं और पेरीमीटर इसका कितना दिया हुआ 80 मीटर. तो ब्रेड इक्वल टू फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बाय टू माइनस लेंथ. तो पेरीमीटर कितना हो गया 80 बाय टू माइनस एक्स, इतना क्या हो गया मीटर. खुद एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना इसका 400 मीटर स्क्वायर. तो लेंथ इनटू ब्रेड इक्वल टू इसका एरिया हुआ. तो लेंथ हो गया एक्स और ब्रेड की जगह पर 80 बाय 2 करेंगे कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0. माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें तो निगेटिव हो गया और ये 400 पॉजिटिव इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करके आप लोग इसका लेंथ और ब्रेड निकाल लीजिएगा.